टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एशिया कप 2018 के फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से मात दे दी है। इसी के साथ ही भारत ने 7वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत इससे पहले 1984, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016 में एशिया कप का चैंपियन बन चुका है। दुबई में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 48.3 ओवर में 222 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत को जीत के लिए 223 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल करते हुए बांग्लादेश को धूल चटा दी। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा 48 सर्वोच्च स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 55 गेंदों का सामना किया और 3 चौकों के अलावा इतने ही छक्के लगाए। दिनेश कार्तिक ने 37 और महेंद्र सिंह धोनी ने 36 रन बनाए। केदार जाधव ने चोट के बाद भी 27 गेंदों में 23 रनों की नाबाद पारी खेली।